अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें ये इसकी हेडलाइट का बल्ब जो है, ये फ्यूज़ है, BMW है जो है 2000, इसका 5000 जीपन है, 2007 का मॉडल है। तो इसका बल्ब जो है हमने चेंज करना है, वो हाँ जीपन है, H7 अलग बल्ब इसका जो है वो फ्यूज़ है। ये देखें इस तरफ ये दोनों चल रही हैं और बल्ब तो मैंने निकाला है, आपको इसका मैं तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका कार ये होता है कि ये देखें यहाँ पर इस तरह अंदर ये लगा होता है और यहाँ से ये हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हमें जो है ये इन्होंने ये इधर जगह दी होती है। तो यहाँ से मैंने ये खोला है, तो वो आपको मैं दिखा दूँ जी। ये प्लास्टिक का एक पीस दिया होता है, इसको घुमाकर ये ऊपर इन्होंने दिया हुए और ये पीस यहाँ से हमने खोलना है और ये इसका आगे डेकल उसका लगा हुआ है, ये डेकल खोलना है, खोल कर ये हाजीबन वाला बाहर निकालना है और इसी तरह हमने इसको दोबारा अंदर लगाना है। वो स्टेका भी है इसके साथ, तो ये फ्यूज़ है बल्ब, ये देखें यहाँ से ये देखें नज़र भी आ रहा है, ये फ्यूज़ है। तो ये हमारे पास नया बल्ब पड़ा भाई, ये अब हम डालेंगे, तो आपको जो है वो मैं लाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें लाइट की मदद से मैंने आपको दिखाया, वो लगा हुआ है, घुमा कर इसको हमने बाहर निकाल लेना है और जो है ये देखें ये निकाला है। अब हम इसमें जो है वो नया लगाएँगे, तो ये देखें ये जो है ये H7 वाला बल्ब है, ये नया बल्ब है ये, और ये फ्यूज़ है, ये ख़राब हो गया हुआ है, तो ये हम अब इसमें यहाँ पर डाल। तो ये देखें ये है, अब हम जो है वो देखें जी, ये हमने बल्ब अंदर लगा लिया है, ये जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। अब इसके ऊपर हम इसका स्टिकर लगाएंगे और जो है इसको बंद करेंगे। ये देखें ये हमने इसका स्टिकर लगा दिया है, अब इसको एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखें जी, ये लाइट जल गई है जो हमने लगाई है, इस तरफ भी देख लें। तो अब इसको बंद करेंगे, जिस तरह खोला उसी तरह हम इसको बंद करेंगे और आसानी के साथ आप पार्किंग में इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका हम ये जो डेकल है वो लगाएंगे। तो ये देखें ये इसका कवर है, ये जो हमने उतारा था ऊपर से, ये हम इसको दोबारा इसकी जगह पे लगाएंगे। ये देखें बैठ गया, अब इसको हम घुमाएंगे, ये इसकी चुटी लग गई है और ये फिक्स हो गई है। इसी तरह घुमा के इसको उतारते हैं और ये इसका ऊपर जो कवर है प्लास्टिक का, अब ये हम लगाएंगे। तो ये देखिए इसको हम दोबारा लगाएंगे, अब इसको घुमाएंगे और फिक्स कर देंगे। आप ये देखें ये इसका प्लास्टिक का कवर लग गया और इस तरह ये मुकम्मल हो गया इस तरफ से, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि इसको हम जो है चेंज करते, क्योंकि ये काफ़ी दूर होता है यहाँ से, इसलिए इसकी जगह जो है वो नीचे टायर की जगह से ही दी होती है, तो उधर से ही चेंज करना चाहिए। तो जी जनाब, इस तरह ये हमारी हेडलाइट का जो है शाइन वेफर जो बल्ब है बैरने है जो है वो डल गई है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।